नमस्कार, नेशनल दस्तक में स्वागत है। मैं हूँ अरुण बागड़े, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खड़ा हूँ मैं अभी, और यहाँ पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जूनियर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो है चुनावी महासम्मेलन हो रहा है। और अंबिकापुर में बड़ी खबर है कि बहन मायावती जी पहली बार अंबिकापुर में आई है, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तमाम तैयारियां चल रही है। अब बड़ा स्टेज सजा हुआ है, बड़ी कुर्सियां लगी हुई है बहन जी के लिए, और तमाम चेयर्स लगे हुए हैं समर्थकों के लिए। समर्थकों का आना जो है लगातार जारी है। अब दो सभा है आज, जो है दो सभाएं होंगी। पहले अकलतरा जाएंगी, अकलतरा में चालू हो गया होगा कार्यक्रम, फिर अकलतरा से जो है वहां पर भी लाखों की भीड़ है। और अभी बहन जी अकलतरा आम सभा को संबोधित करने के बाद अंबिकापुर आएंगी अभी। और किस तरीके से तैयारियां चल रही है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, अब मैं और जानूंगा, कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। जी रजा जी बताइए, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है अभी तक? सर यहां पे हम लोग 6-7 दिनों से लगे हुए हैं, और हम लोग को पूरा अनुमान है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है पूरे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय विधानसभा चुनाव में हम लोग तीनों सीट कर जीत कर माननीय बहन जी को समर्पित करेंगे, और इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार माननीय जी योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और 2019 की आम सभा चुनाव में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बड़ा चुनावी सम्मेलन है। मेरे साथ अंबिकापुर में 3 विधानसभा आते हैं, उसके भी प्रत्याशी हैं, और कितना जन समर्थन मिल रहा है और कितना बड़ा रहेगा कार्यक्रम, मैं जानूंगा। जी बताइए, अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम माया भगत है, मैं अंबिकापुर से लुंड्रा विधानसभा की प्रत्याशी हूँ, और आज मैं बसपा के तरफ से प्रत्याशी के रूप में घोषित हुई हूँ। मेरे को बहुत ये हर्ष हो रहा है कि मुझे मायावती बहन जी ने और अजीत जोगी जी ने विश्वास करके ये सीट मुझे दिया है। मैं उनके विश्वास में खरी उतरूंगी और जन जन के बीच में जाके अपने तहे दिल से उनकी सेवा करूंगी, और यहाँ की जो सरकार है उसको सत्ता पलटने की हम काम करेंगे। हम निश्चित ही यहाँ की तीनों विधानसभा सीट निकाल के आएंगे, और आने वाले समय में हम जोगी जी को यहाँ सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, और 2019 में मायावती बहन जी को हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और हमारी ये दृढ़ संकल्प है कि ये हमारा जो संकल्प है ये पूरा करके रहेंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे सरगुजा और छत्तीसगढ़ के लोग भाई बहन उपस्थित हैं, इसके अलावा यहाँ पे यूपी और पलामू से भी हमारे यहाँ पे भाई बहन उपस्थित हैं। भीड़ को देख के लग रहा है कि इस बार की चुनावी जो है महासम्मेलन, इसमें हम बहुत ही जोर शोर से अपनी ताकत लगाएंगे और जीत हासिल करेंगे। जी निश्चित रूप से गठबंधन होने के बाद में मायावती जी का 13 अक्टूबर को कार्यक्रम था बिलासपुर में, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे। उसी कार्यक्रम में आज जो है दो सभाएं हैं, एक अकलतरा में है और अंबिकापुर में पहली सभा हो रही है, और पहली बार मायावती जी आ रही है, जिनको सुनने के लिए दोनों पार्टी के समर्थक जो है जुटे हुए हैं। लगातार तैयारियां चल रही है, पहली बार सभा है, किस प्रकार की तैयारियां और चल रही है? जी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का सरगुजा की धरती पर पहली ऐतिहासिक सभा होने जा रही है, और हम इस बहन जी के कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं कि हम उनको तीनों विधानसभा सीट जीत करके उनको उनके चरणों में अर्पित करेंगे, और 2019 के आम सभा चुनाव में बहन जी को छत्तीसगढ़ के 11 में 11 सीट लेकर के हम प्रधानमंत्री के पुत्र को जीत जाना चाहते हैं। और आज जो यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम, लाखों की भीड़ पर हुजूम जुटने वाली है, जिसके लिए हम सब 8 दिन से मेहनत कर रहे हैं। यूपी से सटे हुए सरगुजा जिला होने के चलते यूपी की भी मदद मिल रही है, और दूसरे स्टेटों से भी मदद मिल रही है। बहन जी के इस कार्यक्रम को हम लोग जबरदस्त सफल करना चाहते हैं। जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा है, और 2019 में जिता के बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के आसपास के जो जिले हैं वहां से भी लोग आए हैं, मैं मिलवाना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानी राम है जी। बहुजन समाज पार्टी के गढ़वा विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ जी, और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। बगल में हम लोगों ने सुना कि बहन जी का कार्यक्रम लगा है, तो मैंने कल ही सुना और मैं वहाँ से चलने के लिए सुबह तैयारी कर दी है लिया, और मैं यहाँ आया हूँ। और आने वाला समय में मुझे इस भीड़ से लग रहा है कि वो छत्तीसगढ़ की जनता माननीय अजीत जोगी जी को सीएम के रूप में देख रही है, और बहन मायावती जी को पीएम बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, कमर कस चुकी है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के जनता को मेरे तरफ से धन्यवाद। जय भीम। तो मायावती जी का बड़ा कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में, लगातार सभाएं हो रही है और अभी लोगों का आना जारी है, और छत्तीसगढ़ के आसपास के जो राज्य हैं मध्य प्रदेश और यूपी से
भी लोग आए हुए हैं, झारखंड से लोग आए हुए हैं, लोगों का आना जारी है, कुर्सियां लगी हुई है। भगत जी आइए तो एक मिनट, कुर्सियां लगी हुई है, बड़ा मंच है, कितनी कुर्सियां लगी है सर? यहाँ लगभग 35,000 की कुर्सी है और ये बहुत छोटा पड़ेगा ये मैदान। अच्छा, अभी जैसे जैसे कार्यक्रम बहन जी की समय पर पहुंचती जाएगी ये सारे रोड चारों तरफ से जाम हो जाएंगे। जी जी राजा जी, कितने लोग आने की संभावना है आसपास के? लगभग आसपास के इलाकों सभी मिलाकर सर लगभग 1,00,000 से ऊपर लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। आज अंबिकापुर के चप्पा चप्पा जाम हो जाएगा ऐसा मेरा अनुमान है। जी, कि हम लोगों ने जैसा मेहनत किया, जैसा काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अंबिकापुर का गली कूचा कहीं से आपको खाली नहीं मिलेगा। बिलासपुर से पूरी उम्मीद करिए कि बिलासपुर ही जैसा कार्यक्रम यहाँ पे होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। जी जी, 13 अक्टूबर को जिस तरीके से बिलासपुर में जन समर्थन मिला था बहन जी को, बहन जी ने खुद कहा था कि जितनी भीड़ जो है अंदर दिख रही है 3 गुना जो है भीड़ बाहर है, वैसी स्थिति अभी अंबिकापुर में होने वाली है। मैं अंबिकापुर में हूँ और थोड़ी देर के पश्चात में 1 बजे के आसपास में यहाँ एक बड़ा सम्मेलन होगा। बहन जी आ रही है और बहन जी पहली बार आ रही है तो निश्चित रूप से उनको सुनने के लिए और देखने के लिए जो दोनों पार्टी के समर्थक है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छी कुर्सियां लगी हुई है और अभी लोग आएंगे, तमाम तैयारियां चल रही है वो बता रहे हैं। यहाँ पर भी लाखों की संख्या में लोग आएंगे और जुटेंगे, ये कहना है कार्यकर्ताओं का। चलिए आगे की खबर के लिए बने रहेंगे, थोड़ी देर में और दिखाएंगे भीड़ किस तरीके से आ रही है। लोगों का आना लगातार जारी है, चूंकि पहली बार मायावती जी जो है अंबिकापुर में आई हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा पड़ते हैं और निश्चित रूप से आज की सभा से तीनों विधानसभा जो है प्रभावित होंगे। पहली बार आ रही है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह है उनको सुनने और देखने के लिए, तो आसपास के जो जितने जिले के लोग हैं वो लोग भी आएंगे, लाखों की संख्या में भीड़ रहेगी। तमाम कुर्सियां यहां पर लगाई हुई है, बड़ा मंच है, अजीत जोगी भी साझा करेंगे तो मुख्य अतिथि के रूप में मायावती जी रहेंगी और अध्यक्षता करेंगे अजीत जोगी जी। तो निश्चित रूप से लोग आ रहे हैं, तमाम पुलिस की भी सिक्योरिटी है देखते हुए, ये काले कपड़ों को इनको निकाल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ संदेशा है। मायावती जी की बड़ी रैली है और पहली बार अंबिकापुर में आ रही है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है उनको सुनने और देखने के लिए। अभी थोड़ी देर में मायावती जी आएंगे। अभी आज जो है 2 सभा है, पहले अकलतरा में सभा लेंगी और उसके बाद जो है वो अंबिकापुर आएंगी। कड़ी धूप है उसके बावजूद जो है गांव से लोग आए हुए हैं मायावती जी को सुनने के लिए। थोड़ी देर में बहन जी आने वाली है और मैं चाहूंगा छत्तीसगढ़ में चुनाव है अभी और जब से गठबंधन हुआ है लगातार जो है इस तरीके से जो है आम सभा हो रहे हैं। 13 अक्टूबर को बिलासपुर में 13 अक्टूबर को भी बिलासपुर में एक महारैली थी जिसमें 7-8 लोग आए हुए थे। ये छत्तीसगढ़ की पारंपरिक नृत्य करना होता है वो भी मायावती जी के स्वागत में, छत्तीसगढ़ की ये कल्चर से जुड़ी हुई। और भी कुर्सियां खाली है, अभी आ रहे हैं लोग। अभी कितने
कितने लोग आएंगे टोटल? चलिए के नारे लग रहे हैं। अजीत जोगी, मायावती बहन, काशी। काफी भीड़ है लगातार मायावती जी को सुनने के लिए लोगों में उत्साह है, समर्थक दूर कड़ी धूप है। अंबिकापुर शहर में मायावती जी पहली बार सरगुजा और अंबिकापुर आ रही हैं, तो उनको सुनने के लिए देखने के लिए बहन जी है अभी आगमन होना है और निश्चित रूप से कड़ी धूप में बैठे हुए हैं सुनने के लिए। गठबंधन होने के बाद ये दूसरी महासभा है। पहली जो महासभा और महारैली हुई थी वो बिलासपुर में हुई थी और बिलासपुर में दोनों पार्टियां के जो कार्यकर्ता और समर्थक है उनके जो लोग आए थे, 36 से पूरे लोग आए थे और जिस प्रकार से तैयारियां थी उनसे 3 गुना जो है वहां पर भी भीड़ आया था। कड़ी धूप थी और ये दूसरा सम्मेलन है। मैं आपको बता दूं आज जो है 4 नवंबर है और 2 सम्मेलन मायावती जी की छत्तीसगढ़ में थी। पहले वो अकलतरा में अभी सभा ले रही हैं, उसके बाद जो है सरगुजा अंबिकापुर आएंगी। अंबिकापुर में चूंकि वो पहली बार आ रही है तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है समर्थक है चाहे वो जनता कांग्रेस जोगी के हो या बहुजन समाज पार्टी के हो वो कड़ी धूप में भी बैठे हुए हैं, एक झलक मायावती जी को देखना चाह रहे हैं और सुनना भी चाह रहे हैं। और जिस तरीके से सभाएं हो रही हैं लग रहा है बहुजन समाज में एक जोश और खरोश आ रहा है। धूप में बैठे हुए हैं लोग बिल्कुल मायावती जी को सुनने के लिए। मायावती जी का साथ लोगों का आना जो है बिल्कुल जारी है। सपा पार्टी है, ये बिल्कुल सच धस करा है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? महरूमपुर से। मायावती जी को सुनने आए हैं? क्या लगता है सरकार बनेगी अजीत जोगी की और अंबिकापुर से सीट जीतेंगे, विधायक बनाएंगे? चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? ठीक है चलिए। तो ये दूर दूर से लोग आ रहे हैं बिल्कुल और तमाम तैयारियां हैं, लोगों का आना अभी भी जारी है, वो मैं दिखाऊंगा। कुर्सियां भी अभी खाली है, कम से कम 70-80 हजार जो है कुर्सियां लगी हुई है ऐसा माना जा रहा है। तैयारियां में कमी हुई है थोड़ी सी क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, बाहर भी बैठना पड़ेगा लोगों को। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, ये बिल्कुल पुलिस भी जुटी हुई है अपनी सुरक्षा में। लोगों का आना अभी भी जारी है। मैं युवाओं से बात करूंगा, क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी जोगी सरकार की? अरे बताइए सर, बनेगा जी? आप बताइए और कितने लोग आने वाले हैं अभी? बहुत लोग आने वाले हैं। सरकार बनाएंगे अजीत जोगी की, परिवर्तन लाना है? चलिए ठीक है, और भी मैं लोगों से बात करूंगा। लोगों का आना लगातार जारी है, युवा है महिला कड़ी धूप में बैठी हुई है। बाहर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। नेशनल दस्तक की कोशिश होती है बहुजन समाज के बड़े कार्यक्रमों की, उनकी सफलता की जो है वो पहली तस्वीर आपको दिखाया जाए। ये सड़क है और मैं आपको बता दूं कि अंदर उतना जगह नहीं है। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, उमड़ रहे हैं दोनों पार्टी के समर्थक, जिस तरीके से मायावती जी को सुनने आ रहे हैं, निश्चित रूप से मैदान जो है भर जाएगा। बाहर भी कई लोग खड़े हैं। बिलासपुर की स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि जितने लोग जो है मैदान के अंदर थे 3 गुना जो लोग हैं बाहर थे। मायावती जी ने खुद देखा था और खुद भरे मंच से कहा था। यहाँ की स्थिति भी ऐसी होने वाली है। लोग अभी, ये मेन रोड है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये भी जो है रोड भर जाएगा क्योंकि पहली बार मायावती जी सरगुजा और अंबिकापुर में आ रही है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश है, उमंग है उनको सुनने और देखने एक मात्र से। दोनों गठबंधन पार्टी की तैयारियां हैं। ये छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर शहर है, सरगुजा जिला है और आज 4 नवंबर है। गठबंधन के बाद मायावती जी की ये दूसरी महारैली है और चुनावी महासम्मेलन है। 13 अक्टूबर को जिस तरीके से एक ऐतिहासिक रैली यहां पर संपन्न हुआ था आज ये दूसरी सभा है और 4 नवंबर को 2 सभा है। एक अकलतरा में सभा लेंगी बहन जी, उसके बाद जो है अंबिकापुर आएंगी। यहां पर भी समर्थक काफी संख्या में आ चुके हैं और मैदान छोटा पड़ जाएगा ऐसा कह रहे हैं कार्यकर्ता। आगे और देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन निश्चित रूप से लोग जो है कड़े, लोगों का आना अभी भी जारी है। बहुत संख्या में महिलाएं आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों का कहना है, कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, लोगों का कहना है कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2019 में निश्चित रूप से
बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे इस तरीके का संकल्प है। इन्होंने थोड़ी देर पहले कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है, कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में मायावती जी यहाँ पर आने वाली है और एक बड़ा सम्मेलन होगा यहाँ पर, चुनावी महासम्मेलन है जहाँ पर अभी मायावती जी जो है संबोधित करेंगी कार्यकर्ताओं को, उनको सुनने मात्र के लिए लोग जो है धूप में बैठे हुए हैं। आसपास के राज्यों से भी लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश और झारखंड तमाम राज्यों से, आसपास राज्यों से भी आए हैं बहन मायावती जी को सुनने के लिए। और लगातार जो है बहुजन समाज में एक खुशी की लहर दिख रही है, लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और निश्चित रूप से जो 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो है ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गठबंधन के बाद लगातार जो है चुनावी सम्मेलन महासम्मेलन हो रहे हैं जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहन मायावती जी रहती हैं और अध्यक्षता अजीत जोगी जी करते हैं। ये दूसरी सभा है जो आज अकलतरा और अंबिकापुर में होगा। ये लगातार जो है बहुजन समाज के लोग जुट रहे हैं और गठबंधन हुआ है यहाँ पे निश्चित रूप से, और एक आदिवासी जो है अजीत जोगी जी उनको मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प बहुजन समाज यहाँ पर लिया हुआ है। अरुण बागड़े के साथ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ नेशनल दस्ता। आज इस चुनावी जनसभा में संत गैरू की धरती पर बहुजन समाज पार्टी एवं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किसान चुनावी जनसभा में तो दोस्तों नेशनल दस्तक में एक बार फिर से स्वागत है आपका। अंबिकापुर की जो महारैली, चुनावी जो महारैली है वो चालू हो चुकी है, लगातार आज 4 नवंबर है और ये दूसरा महासभा है। पहली महासभा जो है अभी अकलतरा में संपन्न हुआ है और मायावती जी अभी अंबिकापुर सरगुजा आई हुई है। तमाम चाहने वाले लोग बहुजन समाज के लोग हैं वो धूप में भी बैठे हुए हैं, दुर्गम इलाकों से दूर दूर से मायावती जी जो है पहली बार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा में आई है और अमित जोगी जी विधायक है, अजीत जोगी के पुत्र हैं और उनका स्पीच चल रहा है और अभी जस्ट जो है मायावती जी आई हैं और उसको सुनने के लिए जो समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं, धूप में भी बैठे हुए हैं। पहले तो मैं क्योंकि पहली बार आई है वो महामाया का आशीर्वाद, किस तरीके से लगातार गठबंधन हुआ है छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस जो है बहुजन समाज पार्टी के बीच में, तो दोनों पार्टी के जो समर्थक है कार्यकर्ता है लगातार इस सम्मेलन में आम सभा में जो है अपनी उपस्थिति दे रहे हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से ये निस्वार्थ स्फूर्त आए हुए लोग हैं, खरीदे हुए लोग नहीं है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज को समझते हैं और मैं यहाँ आपसे मायावती के लोग हैं पूछने आया हूँ। और लगातार गठबंधन के बाद आप मुझे बताइए तो आप देख सकते हैं यहाँ के जल जंगल और जमीन पर जनता का अधिकार होना चाहिए या फिर एक ठेकेदार का एक महल का अधिकार होना चाहिए। आज जो है दो सभा हुई है यहाँ पर, दो सभा हुई है यहाँ पर आज अकलतरा और अंबिकापुर में बहन जारी है और अभी संबोधित करेंगे अमित जी चल रहे अभी। मायावती जी को मैं बताना चाहता हूँ कि मौतें हो गई एक ही वोट में। स्टेज के बाईं ओर भी जो है समर्थकों का जो है भीड़ खचाखच भरा हुआ है, आदरणीय बहन जी को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरगुजा की धरती और 4 नवंबर है, लगातार दूसरी सभा हुई है यहाँ से लोग कोयला उठा कर ले जा रहे हैं। अंबिकापुर का सरगुजा जिला है, ये पहली बार आई है मायावती जी तो कहीं ना सुनने के लिए जमीने ले लेते हैं, युवा लगातार जो है आए हुए हैं, उनका कोयला ले लेते हैं, उनका जंगल छीन लेते हैं। प्रदेश की मुख्य धारा से अलग मां महामाया के नाम पर अमित जोगी का भाषण चल रहा है और अभी उन्होंने बड़ा बयान दिया है, वो गठबंधन पार्टी के जो मुख्यमंत्री होंगे वो अजीत जोगी होंगे और उप जो मुख्यमंत्री होंगे वो सरगुजा, जहां अभी मायावती जी और जनता कांग्रेस जोगी का जो सभा चल रहा है वहां के
उप मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ा बयान अमित जोगी जी ने दिया है। 4 नवंबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है लगातार मायावती की 2 सभाएं हुई है। पहली सभा जो है अकलतरा में हुई है, उसके बाद अंबिकापुर में लगातार हुए हैं। सरगुजा में मैं बताना चाहूंगा कि मायावती जी जो है पहली बार आई है, पहली बार आई है, समर्थक बैठे हुए, दूसरे बैठे हुए, महिलाएं बैठे हुई हैं वोट देने के लिए। थोड़ी देर के बाद में जो है ये देखिए कुर्सियां भी कम पड़ गई है, मैं दिखाना चाहूंगा लोग खड़े हुए हैं। जो मैं बात कर रहा था कि मायावती जी को सुनने के लिए जो है काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के आसपास जो राज्य हैं, जैसे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोग भी जुटे हुए हैं। कुर्सियां भर गई है, लोग खड़े हुए हैं, रोड की स्थिति भी यही होगी। मैं जाऊंगा थोड़ी देर के बाद में। तो अमित जोगी का भाषण चल रहा है अभी और उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि गठबंधन की जो जीत होगी और इसके मुख्यमंत्री जो होंगे अजीत जोगी होंगे और मुख्यमंत्री होंगे अजीत जोगी होंगे और उप मुख्यमंत्री जो होगा वो सरगुजा से ही होगा। सरगुजा में ही अभी जो है सम्मेलन चल रहा है, चुनावी महासम्मेलन है और मायावती जी अभी आई हुई हैं और थोड़ी देर के पश्चात में उनका जो है उद्बोधन होगा, आम सभा होगा और संबोधित करेंगे सभा को। ये महिलाएं बैठी हुई हैं बहन जी को सुनने के लिए, गांव-गांव से आई हैं, छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं। तो लगातार गठबंधन के बाद जो है इस तरीके का सभा और इस तरीके का भीड़ हम देख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे, ये भीड़ वोटों में तब्दील होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव है, पहला जो होगा वो 12 नवंबर को होगा, दूसरा चुनाव जो है 20 नवंबर को होगा। तो गठबंधन के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस जोगी के बीच में जो है सम्मेलन हो रहा है, मायावती जी आ रही है, मुख्य अतिथि रहती है। गठबंधन की जो पहली सभा हुई थी 13 अक्टूबर को बिलासपुर में हुई थी और मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महारैली था। इससे पहले जो है इस तरीके की रैली किसी जो है राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया था, उसमें जो है लोग बहुजन समाज के जो लोग हैं स्वस्फूर्त आए हुए थे और लाखों की संख्या में थे। ऐतिहासिक रैली थी। उसके बाद आज 4 नवंबर है, मायावती जी छत्तीसगढ़ आई हुई है और अभी मुख्य अतिथि है। पहली सभा उन्होंने अकलतरा में लिया था और तुरंत फिर वो जो है अंबिकापुर में आई हुई है और जिसको सुनने के लिए काफी लोग जो है गांव से ट्राइबल है, आदिवासी लोग हैं, मुस्लिम लोग, दलित लोग, सर समाज के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। और अभी जो है बहन जी जो है स्पीच जो था संबोधित करेंगी लोगों को, गरीबों को, पीड़ितों को, बहुजन समाज के लोगों को संबोधित करेंगी और जो जनता है वो भी बैठी हुई है बहन जी को सुनने के लिए, क्योंकि दोस्तों बहन जी पहली बार आई है यहाँ सरगुजा में और निश्चित रूप से धूम है। मैं कहूंगा इस गठबंधन की पार्टी की धूम है यहाँ पर निश्चित रूप से। तो अंबिकापुर में कार्यक्रम चल रहा है बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस योगी का, अभी भी लोग आ रहे हैं, बिल्कुल मैदान जो है भर चुका है, लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से अभी अमित जोगी जी ने भाषण दिया है और अभी बहन मायावती जी जो है संबोधित करेंगी सभा को। आप देख सकते हैं पूरा मैदान जो है भरा हुआ है, लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। तो लगातार जो है इस तरीके का सभा चल रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से कहना चाहिए कि परिवर्तन की दौर है और लोग समझ रहे हैं। ये मायावती जी का जो है स्पीच शुरुआत हुई। तो दोस्तों इतने देर से जिनका इंतजार था, लोग धूप में बैठे हुए थे, छत्तीसगढ़ से कोने कोने से लोग आए हुए थे, तो जिनका इनको इंतजार था, मायावती जी पहली बार सरगुजा अंबिकापुर आई है और ये लोगों को संबोधित कर रही हैं, आप सुन पा रहे होंगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग पूरे भरे हुए हैं, पूरा मैदान भरा हुआ है, लोग अभी भी आ रहे हैं और बाहर पे भी लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो लगातार आज 4 नवंबर है और गठबंधन हुई है छत्तीसगढ़ में और गठबंधन में दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, काफी उनमें उत्साह है, उमंग है। दोनों पार्टी लगातार जितनी भी सभाएं होती है तन मन धन से जो है मेहनत करते हैं ये कार्यक्रम को करने के लिए। 15 दिन 1 महीने से लोग जुटे हुए हैं। देखिए मायावती जी का स्पीच चल रहा है, संबोधित कर रही है लोगों को, गठबंधन पर बोल रही है वो। तो लगातार निश्चित रूप से ये जो भीड़ है वो वोटों पे बदलेगी।
जो ये दो चरणों में आइए स्पीच सुनाते हैं। अकेले ही अपने मंच पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके और सरकार बनने पर तभी फिर यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का सही विकास व उत्थान हो सकता है। और तभी फिर यहाँ गुरु घासीदास जी व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। और तभी फिर इनके अनुयायियों को भी यहाँ हर स्तर पर स्वाभिमान के साथ जिंदगी बसर करने का मौका मिल सकता है। और तभी फिर यहाँ नक्सलवादी गतिविधियाँ भी काफी हद तक खत्म हो सकती है। और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ मजबूरी में बने नक्सली लोग खुद अपने आप ही सही रास्ते पर आ जाएंगे, जिन्हें इस गलत जहाँ अभी तक की रही खासकर दलित एवं आदिवासी समाज विरोधी सरकारें। अर्थात अब यहाँ आप लोगों को अपने बने इस गठबंधन की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी हो। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अब अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए या वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व राज्यों में तथा यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ अलग से स्टेट बनने के बाद यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही। लेकिन दुख की बात यह है कि व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का कोई खास विकास व उत्थान नहीं हो सका है, जिनके शासनकाल को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस संबंध में मैं यहाँ विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से यहाँ आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं तो उसे यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां प्रभावहीन बनाने में वैसे धीरे धीरे खत्म करने के लिए पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और यही मुख्य वजह है कि देश में पहले लंबे अरसे तक यहाँ राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने और अब वर्तमान में बीजेपी की केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।